दोस्तों, आपने बहुत दफ़ा वर्ड सीसीटीवी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है और सर्दियों में हमें ज़्यादा पेशाब क्यों आता है? या फिर क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जिसमें शादी करने के लिए लड़का लड़की को किडनैप करता है और ये उस मुल्क में लीगल है? अगर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं तो आज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पूरी वीडियो भरी है ऐसे ही ऑसम और इनक्रेडिबल फैक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त सफर। नंबर वन, दोस्तों आपने बहुत से किले या फिर महलों में बहुत सी खुफिया सुरंगों को तो जरूर देखा होगा। बेसिकली इन तरीके की सुरंगों को इमरजेंसी सिचुएशन में बादशाह और उसकी फैमिली की सेफ्टी या फिर उन्हें किले से दूर भेजने के लिए बनाया जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं पाई जाती? मिलियर ट्रैप डोर स्पाइडर से, जो कि एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्पाइडर अपनी पूरी जिंदगी अपने बनाए हुए अंडरग्राउंड बिल्स में ही रहते हैं। अमेजिंग बात यह है कि दोस्तों, ये स्पाइडर्स अपने एक बिल के 10 से 12 ट्रैप डोर्स बनाते हैं, जिसको ये कुछ इस तरह से बंद करते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये किसी भी इमरजेंसी या डोर के खराब हो जाने की सूरत में ये अपने जिस्म पर मौजूद इस खूबसूरत डिस्क से अपने घर के डोर को तब तक कवर करके रखती हैं जब तक इसका कोई दूसरा फैमिली मेंबर उस डोर को अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं कर देता। और यही वजह है कि स्पाइडर अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा सेफ भी रहते हैं। नंबर टू, दोस्तों आप हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को तो जानते ही होंगे और इनकी कई मूवीज भी देखी होंगी। और अगर आपने स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी देखी है तो इसमें भी आपने इनका 15 मिनट का रोल जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उन 15 मिनट की एक्टिंग के लिए रॉबर्ट ने $1 मिलियन पर मिनट यानी तकरीबन 1 मिनट के 16 करोड़ एक्टिंग के चार्जेस लिए थे। मतलब के 15 मिनट के रोल के लिए $15 मिलियन यानी तकरीबन 240 करोड़ पे बस 15 मिनट की एक्टिंग के लिए। नंबर थ्री, दोस्तों आप सब ये तो जानते होंगे कि छली यानी कॉर्न बहुत से खानों में इस्तेमाल होती है और आप में से बहुत सारे दोस्त भी इसे शौक से खाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉर्न का इस्तेमाल बहुत सारे नॉन फूड आइटम्स में भी होता है, जैसे कि पटाखे, गिलू, पेंट, साबुन, एंटीबायोटिक, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक। जी हाँ, मकई इन सब चीज़ों को बनाने में भी इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट से पहले मकई के बारे में ये फैक्ट जानते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर फोर से पहले, अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नंबर फोर, दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना में कोई भी चाइनीज सिटीजन कभी भी वहां पर अपनी जमीन को खरीद ही नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों चाइना में प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड नाम की कोई भी चीज मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर मौजूद सारी जमीन सिर्फ और सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट की ही मलकियत है। और इस कंडीशन में अगर कोई भी इंसान चाइना के अंदर अपने घर को खरीदना चाहता है तो उसे वो जमीन चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से 70 साल की लीज पर दी जाती है, जिसे वहाँ की गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट के चलते हुए कभी भी खत्म कर सकती है। और उस कंडीशन में आपको आपके घर के बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता। नंबर फाइव, दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कीड़े देखे होंगे। आमतौर पर पाए जाने वाले ज्यादातर कीड़ों का साइज बहुत छोटा होता है और इनमें से बहुत से कीड़े ऐसे भी होते हैं जो दिखने में बहुत ही यूनिक होते हैं। लेकिन जरा इस इंसेक्ट को देखें, इसका नाम है अर्थ्रोप्यूरा और इसका साइज 2.5 मीटर से भी ज्यादा होता था। ये आज से तकरीबन 295 से 345 मिलियन साल पहले इस दुनिया में पाए जाते थे। नंबर सिक्स, दोस्तों किसी भी लड़की की उसकी मर्जी के बगैर शादी करना सभी कंट्रीज में इलीगल माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किर्गिस्तान में साल 1871 से आला काचो नाम की एक रस्म मौजूद है, जिसके तहत किसी भी लड़के को अपने से कम उम्र की जो भी लड़की पसंद होती थी वो उसको अपने फ्रेंड्स की मदद से किडनैप कर लेता था। और अगर लड़का ये करने में कामयाब हो जाता था तो उस लड़की को फोर्स किया जाता था कि वो उस लड़के से शादी कर ले जिसने इसे किडनैप किया है। और ये मैटर नहीं करता कि उस लड़की की अपनी क्या चॉइस है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2010 तक किर्गिस्तान में 68% से लेकर 75% तक शादियां इसी तरीके से ही हुई थी। लेकिन आगे चलकर किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने इसे टोटली बैन कर दिया था। नंबर सेवन, प्लूवियोफाइल उन लोगों को कहते हैं जो कि बारिश को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, नॉर्मली बारिश का मौसम सभी को बहुत पसंद होता है। ये एक बहुत ही डीप बात है। बारिश हमें इसलिए पसंद होती है क्योंकि ऐसे नॉर्मल वेदर में ये फील होता है कि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब रश में हैं। बट जब बारिश होती है तब एक यूनिटी वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि सब घर पर ही हैं, मैं भी घर पर ही हूँ। लाइफ में एक पॉज मिलता है सबको और एक पीसफुल फीलिंग आती है, जिसको तकरीबन हर कोई बहुत पसंद करता है। नंबर एट, दोस्तों हम अपनी वीडियोस में आपको बहुत सारे खूबसूरत ब्रिजेस के बारे में बताते रहते हैं, तो आज हम आपको जिस ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं वो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, जर्मनी में एक ब्रिज है जिसका नाम है मैरियन ब्रकल, और इसका ये व्यू देखें, जरा इस एंगल को देखें। इस पुल को दो पहाड़ों के बीच में ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि इंसान को हैरान कर देता है, और इस ब्रिज पर लोग आज भी जाते हैं और कुदरत के इस हसीन नज़ारे को एंजॉय करते हैं। नंबर नाइन,
दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में डर्मेटोग्लिफिया नाम का एक बेहद ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें पेशेंट के फिंगर या फिर पाम में किसी भी तरह का कोई भी पैटर्न बनता ही नहीं है। असल में दोस्तों हर एक इंसान के फिंगर या फिर पाम में अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं, जिनको फिंगर प्रिंट्स या फिर पाम प्रिंट्स कहा जाता है। लेकिन इस कंडीशन में सस्पेक्ट की बॉडी में वो जीन्स डेवलप होता ही नहीं है जो हमारे फिंगरप्रिंट या फिर पाम प्रिंट्स को क्रिएट करता है, और इसी वजह से इस बीमारी में मुबतला मरीज का कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं होता। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बीमारी को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिसऑर्डर में गिना जाता है, जो कि इस पूरी दुनिया में कुछ गिने चुने लोगों में ही मौजूद है, और इस बीमारी का अभी तक कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। नंबर 10, दोस्तों सीसीटीवी जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरास, इसमें सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीवी का मतलब तो आपने सही से गैस कर लिया होगा कि टेलीविजन होता है, लेकिन सीसी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सीसी का मतलब होता है क्लोज सर्किट। तो यूं सीसीटीवी की फुल फॉर्म हुई क्लोज सर्किट टेलीविजन। इसमें क्लोज्ड वर्ड को इसलिए स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि सीसीटीवी का सिग्नल पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, प्राइवेटली मॉनिटराइज्ड होता है सर्वेलेंस और सिक्योरिटी के लिए। सीसीटीवी इज इक्वल टू क्लोज सर्किट टेलीविजन। नंबर 11, दोस्तों क्या आपको पता है कि नॉर्वे को झीलों और पहाड़ों का देश कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत झीलें और पहाड़ देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से आपको नॉर्वे की सड़कें कुछ इस तरह की चढ़ाई वाली नजर आती हैं। दोस्तों अमेजिंग बात यह है कि नॉर्वे के लोग अपनी इस नेचुरल ब्यूटी को बचाने के लिए व्हीकल से ज्यादा साइकिल्स को चलाना पसंद करते हैं, लेकिन इस चढ़ाई पर साइकिल लेकर चढ़ना तो दूर की बात है, यहाँ पैदल चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। और दोस्तों इसी वजह से नॉर्वे ने साल 1993 में दुनिया की सबसे पहली बाईसाइकिल एस्केलेटर लिफ्ट को तैयार किया था। दोस्तों अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर जो लिफ्ट नजर आ रही है, इसको पूरी दुनिया की सबसे पहली बाईसाइकिल एस्केलेटर लिफ्ट माना जाता है, और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी बाईसाइकिल राइडर बड़ी आसानी से ऊंची चढ़ाई पर चढ़ सकता है। नंबर 12, दोस्तों ये दुनिया अजीबोगरीब कवानीन से भरी पड़ी है, जिसके बारे में अक्सर हम आपको अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको यूएसए का एक ऐसा लॉ बताने वाला हूँ जिसे 2017 में जब लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था तो उनके होश उड़ गए थे। असल में दोस्तों कानून ये था कि यूएसए के सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया और छोटे मोटे स्टेट्स में कार वॉशिंग के बाद कभी भी किसी कमर्शियल गाड़ी को किसी भी अंडरवेयर से साफ नहीं किया जाएगा, और बात अगर प्राइवेट गाड़ियों की जाए तो अगर आप अपनी गाड़ी को अंडरवेयर से ही साफ करना चाहते हैं तो वो अंडरवेयर अनयूज्ड होना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते और पकड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको काफी भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। नंबर 13, दिन में कितनी मर्तबा पेशाब करना नॉर्मल है ये तय करना मुश्किल है, तहम अगर आप दिन में 6 से 7 मर्तबा और रात को 1 मर्तबा वॉशरूम जाते हैं तो इसे नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन सर्दियों में हमें बहुत ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या है? दोस्तों स्पेन की यूरोलॉजी की माहिर डॉक्टर ब्लैंका माडोर्गा के मुताबिक इंसान का जिस्म गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज्यादा सुकड़ जाता है, और इसमें माया को अंदर जमा करने की सलाहियत कम हो जाती है, और यही वजह है कि हमें सर्दियों में पेशाब की हाजत ज्यादा होती है। इसके अलावा गर्मियों में हमारे जिस्म से कुछ माया पसीने की शक्ल में जिस्म से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से गर्मियों में हमें ज्यादा पेशाब नहीं आता। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपके नॉलेज में बेहद इजाफा हुआ होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नॉलेज से भरपूर वीडियोस आप सबको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।